हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट NCF 2005, यानी कि रीडिंग रिसोर्स के अंदर जो भी पॉइंट्स आते हैं, जो भी सब टॉपिक्स आप लोगों ने कवर करने हैं, NCF की रिकमेंडेशंस क्या हैं, क्लियर किन्होंने ये दिया है, इसका क्या बेसिक मोटिव क्या है, क्या इसका बेसिक कंसेप्ट है, क्लियर हम सारी चीज़ें कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कोई भी पार्ट आप स्किप मत कीजिए, वरना आपका कोई ना कोई मिनी टॉपिक इसमें छूट जाएगा। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो देखिए, NCF की फुल फॉर्म जैसे आप देख सकते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये क्या है, ये एक कमेटी बैठी थी जिसके चेयरमैन थे UGC के, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ UGC, दैट वाज प्रोफेसर यशपाल, तो उसको यशपाल कमेटी भी कहते हैं। उनकी गाइडेंस के अंदर ये सारी इसकी रिपोर्ट तैयार की गई थी और वो चाहते थे कि लर्निंग विदाउट बर्डन हो, ठीक है। तो इस रिपोर्ट का नाम भी क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो NCF जो है बेसिकली ये किसके ऊपर बेस्ड था, कनेक्टिविज्म, क्लियर। कनेक्टिविज्म कैसे, टू कनेक्ट योरसेल्फ एंड द चाइल्ड टू लाइफ इटसेल्फ। ये चाहते थे कि स्टडी इस तरह की हो, करिकुलम इस तरह का हो, ठीक है, सारा करिकुलम का जो एनवायरनमेंट है एजुकेशन का वो इस तरह का हो कि बच्चों पे बर्डन ना हो और लर्निंग भी अच्छे से हो सके, क्लियर। सो नाउ वी विल सी, NCF 2005 वॉज पब्लिश टू गाइड द इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल्स टू एनकरेज द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड टू मूव अवे फ्रॉम टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग। यानी कि टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग नहीं होनी चाहिए कि आप कंप्लीटली टेक्स्ट बुक पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब हो गया स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग, क्लियर। ये देखता है कि स्टूडेंट की डाइवर्सिटी है, स्टूडेंट्स की नीड क्या है, किस तरह से वो लर्न करते हैं, उनको कंप्लीट फ्री एनवायरनमेंट देना चाहिए, ठीक है। जैसे पुराना जो टाइम था वहाँ पर बच्चे क्लास में डर कर बैठते थे, तो आज के टाइम में डर का एनवायरनमेंट बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। स्टूडेंट्स आर फ्री टू आस्क एंड गिव देयर व्यूज़, क्लियर। नाउ वी विल सी द पर्पस, या फिर इसका जो फ्रेमवर्क है, NCF इज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट इज़ डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड द ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी एज वेल एज सोशल एनवायरनमेंट। अब हमें पता है एक क्लास में कितने कल्चर के बच्चे बैठते हैं, ठीक है, स्कूल की तो आप बाद ही बाद में करेंगे, हम एक क्लास की भी बात कर लें, वहाँ पर भी हर कल्चर के डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, क्लियर। तो सोशल एनवायरनमेंट को देखकर ही करिकुलम बनाया जाना चाहिए। तो इसके जो की गोल्स हैं वो हम देख लेते हैं NCF के, टू प्रमोट अ होलसम डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एनकम्पसिंग द एकेडमिक इमोशनल फिजिकल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स, ये सारे एस्पेक्ट्स इसके अंदर कवर होने चाहिए। देन टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू डेवलप इंटेलेक्चुअल कोशेंट बाय प्रोवाइडिंग दैम वेरिड अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को मिलनी चाहिए ताकि वो अपने इनर हिडन पोटेंशियल्स जो हैं उनको निखार सकें और उन पर फोकस कर सकें। देन टू मेक द एनवायरमेंट कंडक्टिव टू द क्वालिटी लर्निंग। अब देखिए लर्निंग किस तरह से हो रही है, क्वालिटी लर्निंग, वेयर द स्टूडेंट्स वुड बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन वेरियस एक्टिविटीज़। अब बच्चे का हर एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं होता, तो अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें से जिस एक्टिविटी में बच्चे का इंटरेस्ट है बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। टू फॉस्टर क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स बाय फैसिलिटेटिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड गिविंग लिबर्टी टू एक्सप्रेस, जो हमने बोला ना फ्री ऑफ एक्सप्रेशन, बच्चे को डर नहीं होना चाहिए, वो अपनी बात फ्रीली कह सके, इंडिविजुअल थाट्स विद इन द क्लास। इन रिस्पॉन्स टू मल्टी कल्चरल एट्रीब्यूट्स द स्कूल्स मस्ट इंश्योर नो स्टूडेंट इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बेस्ड ऑन कास्ट और रिलीजन और सोशल स्टेटस। बायस नहीं होना चाहिए सिस्टम, चाहे वो कास्ट के रिलेटेड हो, कोई भी बैकवर्ड नहीं है, कोई भी फॉरवर्ड नहीं है, कोई भी ऊंचा नहीं है, नीचा नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल एजुकेशन, एवरीथिंग इक्वल मिलनी चाहिए, क्लियर। देन वी विल सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NCF 2005। फर्स्ट इज इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग विदाउट टू मच लोड बाई रिड्यूसिंग द सिलेबस। सिलेबस इस हद तक रिड्यूस करें कि बच्चों पर बर्डन भी कम हो, लेकिन हमसे कोई नॉलेज भी ना छूटे उनको देने के लिए। ऑल चिल्ड्रन शुड हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जो हमने बिल्कुल अभी लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और व्हाट्सोएवर। करिकुलर प्रैक्टिसेस शुड बी इन अलाइनमेंट विद
सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, देन स्ट्रेंथनिंग अ नेशनल एजुकेशन सिस्टम इन सोसाइटी। क्लियर, नेशनल एजुकेशन सिस्टम, जैसे NEP 2020 आई थी तो उसमें आपको पता होगा कि 10+2+3 ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ था। क्लास 10 उसके बाद 2 ईयर्स का आप जैसे प्लस टू करते हैं, उसके बाद 3 साल की ग्रेजुएशन। क्लियर, इस तरह का फॉर्मेट जो आया था, दैट इज़ मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री। कोई भी किसी भी टाइम पे किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकता है और उसको कहीं भी बीच में छोड़ सकता है, उसके क्रेडिट्स जुड़ जाएंगे एक क्रेडिट बैंक में। क्लियर, जहाँ पे वो नेक्स्ट जब भी एडमिशन लेगा दोबारा उस कोर्स को कंटिन्यू करेगा तो वो क्रेडिट्स वहीं से उठा लिए जाएंगे एंड ही कैन परसू द कोर्स देयर आफ्टर। सो नेक्स्ट इन दिस वी विल सी द स्ट्रक्चर और स्कीम ऑफ NCF 2005। इसमें देखिए 5 एरियाज में जो NCF 2005 का डॉक्यूमेंट है, इसको 5 एरियाज में या 5 चैप्टर्स में आप कह सकते हैं डिवाइड किया हुआ है। तो हर चैप्टर के अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। सो फर्स्ट इज़ पर्सपेक्टिव। तो आप देखिए पॉइंट, या तो आप सुन लीजिए, इसको लर्न कर लें, या फिर जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ आप इसको लिख भी सकते हैं, अपने पास नोट डाउन कर लें कि पर्सपेक्टिव के अंदर इन्होंने क्या कुछ चीज़ों पे फोकस किया है। सो फर्स्ट इन पर्सपेक्टिव इज़, ये कह रहे हैं कि आपको शिफ्ट होना पड़ेगा रोट मेमोराइजेशन से। ठीक है, जो रोट मेथड था कि हमें बस जो चीज़ टेक्स्ट बुक्स में लिखी है वही आपको लर्न करनी है, क्रैम करनी है और वही एग्ज़ाम में लिख देनी है, तो वी हैव टू डिमिनिश द फैक्टर या फिर रोट मेमोराइजेशन मेथड। क्लियर, देन कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। ऐसे नहीं है कि जो हमने स्कूल में पढ़ा वहीं पे छोड़कर हम मूव ऑन कर जाएंगे, उस नॉलेज को हमने रियल लाइफ में यूज़ करना है। देन वी कैन से इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट फ्लेक्सिबल। हम इसमें यह भी कह सकते हैं कि एनरिच करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। सिर्फ टेक्स्ट बुक तक हमारा जो करिकुलम है वो सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इससे बाहर भी होना चाहिए। लाइक वी कैन से करिकुलर एक्टिविटीज़, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ आती हैं स्कोलास्टिक के अलावा, को स्कोलास्टिक एरियाज़ है ना, हमने किया था ना वो CCE का ओवरव्यू, तो को स्कोलास्टिक जो एरियाज़ हैं वो सारा क्या है, एनरिच करता है करिकुलम को बियॉन्ड टेक्स्ट बुक से। क्लियर, सो जो स्टडी होगी वो क्या होगी, इक्वालिटी के साथ क्वालिटी प्रोवाइड होगी एंड क्वांटिटी भी सफिशिएंट होगी। क्लियर, दिस इज़ ऑल इन द पर्सपेक्टिव। अगर हम बात करें अब लर्निंग एंड नॉलेज की, तो लर्निंग में क्या है, पहले तो देखिए क्या होता था, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड या फिर टीचर सेंटर्ड या फिर सब्जेक्ट सेंटर्ड होता था, लेकिन अब क्या है, चाइल्ड सेंटर पैडागॉजी। क्लियर, तो उसमें क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं वो बच्चे की। होलिस्टिक मींस कंप्लीट डेवलपमेंट हो, ऐसे नहीं है कि सिर्फ वो स्टडी के मैटर को ही पढ़ रहे हैं या फिर उनकी ओनली मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। क्लास में एक नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट हो ताकि बच्चे अपनी बात को अच्छे से कह सकें, बेझिझक कह सकें, और लर्निंग टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जो है बहुत बेटर मेंटेन हो पाए। देन इसमें क्या होता है कि डू नॉट अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन एज नॉलेज या फिर डू नॉट मिस अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन एज नॉलेज। क्लियर, इन्फॉर्मेशन अलग चीज़ है लेकिन नॉलेज क्या है, अलग चीज़ है। जैसे डेटा को हम अगर इन्फॉर्मेशन बनाना चाहते हैं तो हम बोलेंगे मीनिंगफुल डेटा इज़ इन्फॉर्मेशन। अब रिलायबल और ट्रस्टेबल इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के रिलेटेड क्या बन जाती है, हमारी नॉलेज। ठीक है, तो इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि जेंडर कास्ट या फिर सो इसमें शुड नॉट बी कॉन्स्ट्रेंट पार्टिसिपेशन इन द एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड इन स्कूल, यानी कि इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए लर्निंग में भी नॉलेज में भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन एनीथिंग। ठीक है, किसी को भी हमने भेदभाव नहीं करना है इसमें। देन इज करिकुलम एरियाज स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट, पॉइंट नंबर 3। इसमें क्या आ जाएगा कि जो भी चेंजेस करने ज़रूरी हैं लैंग्वेजेस में, चाहे मैथमेटिक्स में है, साइंस है, सोशल साइंस है, क्लियर, ताकि बच्चों पे जो स्टडी का बर्डन है वो कम हो सके, स्ट्रेस कम हो और फ्यूचर नीड्स ऑफ चिल्ड्रन ये देखी जाए, एजुकेशन को बेटर बनाया जाए आज के लिए भी और कल के लिए भी। देन इज स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। बेसिकली क्लासरूम एनवायरनमेंट में क्या होना चाहिए कि बच्चों को इस तरह का करिकुलम हो, इस तरह का एनवायरनमेंट हो कि वो फियरलेस एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए और बच्चे खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन करना सीख जाएं। ऐसे नहीं है कि टीचर्स वहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन कर रहे हैं, बच्चे खुद को डिसिप्लिन में रखकर चीज़ों को समझना, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, ये सब सीख जाएं।
नर्चरिंग एन एनवायरमेंट दैट प्रोवाइड स्पेस फॉर द पेरेंट्स एंड कम्युनिटी एड्रेसिंग द नीड्स फॉर द प्लुरैलिटी ऑफ मटीरियल टेक्स इनटू अकाउंट टीचर ऑटोनॉमी डिस्कसेस करिकुलम इंक्लूडिंग द लाइब्रेरी टेक्स्ट बुक्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड गोज बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे खुद सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, खुद को संभालना, खुद डिसिप्लिन होना इंटरनली एंड एक्सटर्नली। क्लियर इज दिस? देन इज सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स। अब रिफॉर्म्स हम कर चुके हैं, रिफॉर्म्स मीन जो भी चेंजेस हमें चाहिए। क्लियर, हमने टेक्स्ट बुक्स रिफॉर्म्स किए थे, एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए थे कि क्या कुछ एजुकेशन में रिफॉर्म्स चाहिए, है ना, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, तो वो सारे क्या है, सिस्टमैटिक रिफॉर्म होनी चाहिए। किन किन चीज़ों में हमें चेंजेस चाहिए ताकि हम अपनी एजुकेशन को अकॉर्डिंग टू NCF की जो रिकमेंडेशंस हैं या फिर जो इनके गोल्स हैं उस पर ये खरा उतर सके। क्लियर, सो सबसे पहले होता है कि टीचर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं है कि जो टीचर्स पुराने चलते आ रहे हैं उनको हम कुछ नया नहीं सिखा रहे, टीचर्स की ट्रेनिंग होती है। क्लियर, इन सर्विस ट्रेनिंग भी होती है या फिर अदर देन दैट भी होती है, ट्रेनिंग टीचर्स को प्रोवाइड करना ताकि जो लेटेस्ट सिस्टम चल रहा है, चाहे वो स्मार्ट क्लासेस का है या फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू कंसेप्ट्स आ रहे हैं, वो उसके साथ टीचर्स क्या हों, अपडेट रहें। देन इज एग्जामिनेशन रिफॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है ताकि बच्चों का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो कम हो पाए। तो इससे क्या होगा, इनोवेशन इन आइडियाज़ एंड प्रैक्टिस बच्चों की इंक्रीज़ होगी और टेक्स्ट बुक्स का बर्डन जो है कम होगा। टेक्नोलॉजी को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सिस्टमैटिक रिफॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। क्लियर, अब इसके बाद जो फाइनली हमने इसमें देखना है वो है रिकमेंडेशंस कंसर्निंग द करिकुलर एरियाज़, या फिर इसको स्कीम ऑफ स्टडीज़ भी कह सकते हैं। हम करिकुलर एरियाज़ देख रहे हैं, को करिकुलर एरियाज़ जो हैं वो नहीं देख रहे हैं, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। क्लियर, उसके रिलेटेड क्या रिकमेंडेशन है NCF की 2005 में। सो वन बाय वन हम इसको पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इन पॉइंट्स का एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, ऊपर लिखकर रिकमेंडेशंस कंसर्निंग करिकुलर एरियाज और नीचे जो ये मैं 9 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगी, तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप 9 बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर हेडिंग लिखकर इस तरह से आप 9 पॉइंट्स ऐसे बना सकते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करना अच्छा रहता है इस तरह से। सो फर्स्ट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज एजुकेशन में क्या होना चाहिए, द एम्फसिस, द फैक्ट दैट लैंग्वेज टीचिंग शुड बी मल्टीलिंगुअल वेयर इन द स्टूडेंट शुड बी टॉट इन 3 लैंग्वेज स्ट्रक्चर। सो इन 3 लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्या होता है कि फर्स्ट होती है मदर टंग, जैसे हम बोलते हैं कि प्राइमरी क्लासेस को मदर टंग में चीज़ें समझानी चाहिए ताकि वो अच्छे से समझ पाएँ, बजाय इसके कि इंग्लिश में ही सारा कंटेंट हो, इंग्लिश पर ही फोकस करें। तो ये क्या कहते हैं कि इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, ठीक है, उसको एक मीडियम मत बनाइए। तो सेकेंड लैंग्वेज होती है हिंदी और थर्ड होती है आपकी इंग्लिश। क्लियर, तो ये 3 लैंग्वेज स्ट्रक्चर होना चाहिए। मदर टंग शुड बी प्रायोरिटाइज्ड एज द फर्स्ट लैंग्वेज इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, द थर्ड लैंग्वेज ऑट टू बी मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है, एंड इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हिंदी शुड बी टॉट सिंस इट इज़ अ नेशनल लैंग्वेज, हमारी नेशनल लैंग्वेज है तो वो पढ़ी जानी चाहिए। इसके बाद आता है मैथमेटिक्स। देखिए इसमें एक और चीज़ है, लैंग्वेज स्किल्स भी होते हैं, बच्चों की स्पीच लिसनिंग स्किल्स होते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स होते हैं लैंग्वेजेस में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। देन इज मैथमेटिक्स, द हायर गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज़ टू हेल्प द चाइल्ड थिंक एंड रीजन मैथमेटिकली, टू मेक एजम्पशंस बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, यानी कि उनका जो माइंड है वो लॉजिकली सोच पाए चीज़ों को रिलेटेड। हेल्प द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कोर मैथमेटिकल कंसेप्ट्स ऑफ एल्जेब्रा अरिथमेटिक ज्योमेट्री एंड ट्राइगोनोमेट्री, यानी कि चैप्टर्स इस तरह से इंडल्ज किए जाने चाहिए ताकि बच्चे ये चीज़ें समझ पाए, मैथमेटिक्स में ये चीज़ें होनी चाहिए। टू प्रोवाइड दम एन आइडिया एज हाउ टू मैथमेटिकल कंसेप्ट्स लीड टू स्ट्रक्चरेशन जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ों का कंसेप्ट बच्चे अच्छे से समझ पाए। मैथमेटिक्स इज थॉट टू बी डिफिकल्ट एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड, बट विद हेल्प ऑफ वेरियड रिप्रेजेंटेशंस मैथमेटिकल कंसेप्ट्स कैन बी टॉट ईजिली। अब ऐसे नहीं है कि टीचर्स एक ही मेथड यूज़ कर रहे हैं, देर आर वेरियस टीचिंग मेथड्स लाइक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यू कैन यूज़ प्रेजेंटेशंस फॉर दैट। 3-डायमेंशनल फिगर अगर आपको बच्चों को समझानी है तो आप लाइव चीज़ें दिखा सकते हैं, लाइक अगर आप बच्चों को बॉल दिखाएंगे ना तो वो क्या है, एक स्फेयर, शेप क्या है, स्फेयर की। अगर आप चॉक बॉक्स दिखाएंगे तो वो किसकी शेप है, एक क्यूबॉइड की। क्लियर, तो इस तरह से हम बच्चों को दिखा सकते हैं, या फिर प्रेजेंटेशन के थ्रू 3D इफेक्ट्स भी दिखा सकते हैं।
वहाँ से भी बच्चों को काफ़ी आइडिया हो जाता है। देन उसके बाद होता है कंप्यूटर्स। अब देखिए टेक्नोलॉजी की बात आ रही है तो टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द एडवांसमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ अर्ज्ड इंस्टीट्यूट्स एंड स्कूल्स टू गिव अटेंशन टू एजुकेटिंग द स्टूडेंट्स अबाउट यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो जो कंप्यूटर्स की यूजेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज हर काम जो है आपको पता है कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, इससे पहले सब कुछ मैनुअली होता था। तो सॉफ्टवेयर जितने ज़्यादा हो गए हैं तो उसमें बच्चों का स्कोप आगे जाकर फ्यूचर में भी बहुत है, जॉब अटेन करने के लिए या फिर काफ़ी चीज़ों के लिए। देन वी कैन सी साइंस। साइंस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एजुकेटिंग चिल्ड्रन वेयर इन दे कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैक्ट्स एंड फिक्शन। फैक्ट क्या है और फिक्शन क्या है, क्या रियलिटी है और क्या भ्रम है, क्लियर। हम फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। द पैडागॉजी शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच अ वे दैट इनकॉर्पोरेट्स एक्टिविटीज ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। सिर्फ देखिए ये कहना चाहते हैं कि थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। हमने डिस्कस किया था कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बैलेंस होना चाहिए ताकि बच्चे जो चीज़ सीख रहे हैं वो खुद से काइनेस्थेटिक लर्निंग भी तो हो, सिर्फ ऐसे थोड़ी है कि ऑडिटरी या फिर विजुअल लर्निंग ही होगी उनकी। काइनेस्थेटिक लर्निंग इज़ द परमानेंट लर्निंग, हम जानते हैं ये चीज़। देन इंस्टेड ऑफ इन्फॉर्मेशन बेस्ड लर्निंग द एजुकेटर शुड एनकरेज एक्टिव अप्रोच टूवर्ड साइंस एंड हाउ ही और शी कैन कनेक्ट इट विद द वर्ल्ड अराउंड देम। जब आप बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं, आपने अक्सर देखा होगा मेरी एग्जाम्पल्स, जो भी मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाती हूँ, कभी आपको मूवीज़ की एग्जाम्पल देती हूँ या फिर वो एग्जाम्पल्स देती हूँ जो आप लोगों ने फेस की हैं, तो टॉपिक आपको लगता है कि ये तो बहुत ईजी है। तो यही चीज़ होती है कि अगर आप चीज़ों को रियल लाइफ से रिलेट करके बताएंगे तो वो बहुत ईजी हो जाता है समझना एंड इंटरेस्टिंग भी लगता है। देन नेक्स्ट इज़ द सोशल साइंस। सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी आर सिग्निफिकेंट एज इट हेल्प्स टू एजुकेट द चाइल्ड अबाउट हिज और हिज हर सोशल रियलिटी। किस सोसाइटी में हम रहते हैं, किस कल्चर में रहते हैं, है ना, तो वो चीज़ बच्चों को पता होनी चाहिए ताकि हम एक सोशलाइजेशन हमें अटेन हो। हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, क्लियर। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेज शुड बी इंडिकेटेड एज दिस कलेक्टिवली हेल्प्स टू इंस्टिल अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। वैल्यूज़ आ जाती हैं हमारे अंदर, हमें नेशनल आइडेंटिटी हमारी क्रिएट हो जाती है ना। हमने रिसेंटली ही ये तो पढ़ा सारा कुछ, नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट होना, हम सोशलाइज कैसे होते हैं, कम्युनिटी का क्या रोल है, ये सारा कुछ साइंस में ही पढ़ाया जाता है। हमारी देश की ज्योग्राफी के बारे में हमें पता होना चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, इकोनॉमी क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक्स के अंदर होनी चाहिए, करिकुलम में भी होनी चाहिए, क्लियर। देन पॉइंट नंबर 6 इज आर्ट एजुकेशन। आर्ट्स हैज़ नेवर बीन गिवन एनी इंपॉर्टेंस एंड इज़ ऑफन कन्फाइंड टू इधर यूज़फुल हॉबीज़ और लेजर एक्टिविटीज़। हम आज भी देखते हैं स्कूल्स में ये एक कंपल्सरी, हम इनको नहीं कहते कि ये एक सब्जेक्ट है, बल्कि क्या कहते हैं कि हम लेजर टाइम में कोई भी आर्ट का काम कर सकते हैं, क्लियर। लाइक वेस्ट मटेरियल को यूज़ करना, कोई भी लैम्प मेकिंग एक्टिविटीज़ आजकल स्कूल्स में करवाते हैं, वेस्ट मटेरियल से कुछ भी आप चीज़ बना सकते हैं, या फिर विदाउट फायर कुकिंग हो गई, कुछ भी इस तरह की ये चीज़ें हम हॉबीज़ में इंक्लूड करते हैं। लेकिन आर्ट एजुकेशन ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नो लॉन्गर शुड द आर्ट्स बी इग्नोर्ड, ऑन द कॉन्ट्रेरी दे शुड वर्क टूवर्ड्स नर्चरिंग द आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ विद इन द चिल्ड्रन। अब देखिए हर बच्चा मैथ साइंस एसएस में तो अच्छा नहीं होगा, कुछ बच्चे आर्ट्स में भी अच्छे होते हैं, ठीक है, आर्ट एजुकेशन में, तो उनकी कैपेबिलिटीज़ को कौन एनहांस करेगा। करिकुलम को ये भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि आर्ट एजुकेशन में जिस बच्चे की मास्टरी है या फिर उसका पोटेंशियल है, वहाँ पर उसकी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ को एनहांस किया जाए, इंक्रीज किया जाए। देन वी कैन से हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन। अब हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था हेल्थ के रिलेटेड, तो जो डिजीज़ होती हैं अंडर नरिशमेंट एंड कम्युनिकेबल डिजीज़ आर अ फ्यू ऑफ द मोस्ट वाइटल हेल्थ इश्यूज़ दैट कॉज चिल्ड्रन टू सफ़र इन इंडिया। अब जंक फूड बच्चे इतना खाते हैं, उनको अवेयर भी हम कर दें फिर भी खाते रहते हैं, तो डिजीज़ इतनी सारी अकर होती हैं। तो हमारी जो करिकुलम है उसमें भी ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि इन्फॉर्मेशन जो उनको नॉलेज है प्रॉपर वो जगह जगह से बच्चों को मिले, ताकि वो अपनी हेल्थ के रिलेटेड कॉन्शियस हो,
अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए। देखिए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 15 मिनट्स डेली आपको अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे वो आप एरोबिक्स करें, ठीक है, वर्कआउट करें, या फिर आप वॉक करते हैं, 15 मिनट आपको अपनी बॉडी के लिए निकालने चाहिए, उसको ज़रा हिलाओ डुलाओ, ठीक है, वरना रिंकल्स भी इतनी जल्दी पड़ जाएंगे स्किन पे। देन इज़ वर्क एजुकेशन। वर्क एजुकेशन यानी कि वोकेशन एजुकेशन हम कह सकते हैं, ठीक है। वर्क एजुकेशन इज़ रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेटिंग एक्टिविटीज़ दैट वुड अल्टीमेटली हेल्प द स्टूडेंट्स इनकलकेट नेसेसरी लाइफ स्किल्स लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, सिचुएशन बेस्ड एनालिसिस एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। जो हमें फाइनली हम पढ़ के करेंगे क्या, हम पढ़ के या तो जॉब पे लगेंगे, अपना कोई अर्निंग हैंड बनाएंगे ना, अपना नाम कमाएंगे, तो उसके लिए वर्क एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ताकि बच्चा अपना देखे इंटरेस्ट किस में है, क्लियर। तो ये चीज़ें तो बेसिक होती हैं, आप किसी भी फील्ड में चले जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये हर फील्ड में ही चाहिए, क्लियर। आपको कुकिंग करनी है, स्टिचिंग करनी है, कोई सेल्समैन है, या फिर मार्केटिंग इशू है, हर चीज़ में ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, स्किल्स डेवलप करना, ताकि आप आगे जाकर वर्क प्रॉपरली कर सकें, क्लियर। द इंस्टीट्यूट शुड प्रोवाइड इनफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पैडागॉजिकल स्ट्रेटजीज टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप दीज स्किल्स फ्रॉम एन अर्ली एज। ऐसे नहीं है कि सीधा बड़े जाकर ये चीज़ें सीखेंगे, तब आपको सक्सेसफुल होने के लिए और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये चीज़ें पहले से ही स्टार्टिंग में हमें सीख लेनी चाहिए। देन फाइनली इन दिस इज़ एजुकेशन फॉर पीस। अब हमें पता है हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया क्या कहता है कि वी शुड लिव इन यूनिटी पीस एंड हारमोनी, तो द वर्ल्ड इज़ कॉन्स्टेंटली एमिस्ट वॉयलेंस क्योस एंड डिस्प्यूट, तो ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं, लोग एग्रेसिव हो रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की बनती है कि वो वैल्यू एजुकेशन बच्चों को दे, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है ये चीज़ों से दूर हो सके, जो वॉयलेंस होता है, ठीक है, लड़ाई झगड़े से या फिर एग्रेसिव नेचर से दूर हो पाए, उनके अंदर पेशेंस आए, पीसफुल रहना सिखाए बच्चों को, क्लियर। इनकॉर्पोरेट टॉलरेंस, इस तरह की वैल्यूज़ बच्चों में आए, जस्टिस, इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि नेशन के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हिस्ट्री की नॉलेज होना उनको, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ की नॉलेज होना, क्लियर। सो यहाँ तक हमारा था ये रिकमेंडेशंस कंसर्निंग करिकुलर एरियाज़, और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक होता है फाइनली कंप्लीट। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, देखिए इसके अंदर सब टॉपिक्स उतने नहीं है, एक टॉपिक के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो बेसिकली आप सिर्फ पॉइंट की हेडिंग लर्न कर लो, उसके अंदर इतनी ईजिली आप लिख पाओगे अगर आपने ये कम्प्लीट वीडियो सुन ली है तो, आई एम श्योर अबाउट इट। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।